नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। 19 जनवरी को हुए अंशुल हत्याकांड में पुलिस की जांच पर लगाए आरोप, तो वहीं पुलिस कह रही है कि पानी की टंकी पर चढ़कर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र टापा कला का है, जहां आज सुबह पकड़े गए युवकों के परिवारी जनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए टंकी पर चढ़कर जांच में सवाली निशान खड़े किए और पुलिस पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। जांच अपनी मनमर्जी द्वारा की जा रही है, ऐसा उनका आरोप है। पूछताछ हो रही है युवकों के परिवारी जनों द्वारा लगाए गए हैं आरोप। वहीं पकड़े गए युवक के परिवारी जनों का कहना है कि जिसने इस हत्याकांड को रंग रूप दिया है वह पुलिस के साथ ही घूम रहे हैं और पुलिस उन पर जांच कर कार्यवाही करने की बजाय हम पर ही कार्यवाही कर रही है, जबकि जो दोषी है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही नहीं की जा रही है। हमारे घर में रात और दिन पुलिस द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, बुलडोजर चलाने तक की चेतावनी दी गई है पुलिस द्वारा, ऐसा आरोप लगा रहे हैं पकड़े गए युवक के परिवारी जन। पुलिस का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद जांच कर इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ ना की जाए इसी को लेकर के ये आज पानी की टंकी पर चढ़कर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। फिलहाल इनको पानी की टंकी पर जाकर समझा बुझाकर नीचे लेकर आए हैं और इनको आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्यवाही की जाएगी। जो दोषी हैं इस हत्याकांड में उन्हीं को जेल भेजा जाएगा। खास रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। कहाँ रहती हूँ आप? कहाँ रहती हूँ? क्या कह रहे हैं 4 बजे तक गाली कर दी, पुलिस कह गई रात सब घर में तोड़ फोड़ करी गई है। अजा कह रही बिल्डोजर चलवाएंगे, हम लोग तो गैर का सिर फसा गए ऑटो जने और जाने करो तो पुलिस के संगे ही ढूंढते हुए। सर कहा करूँ बताओ, जहाँ जाऊँ मैं तो बच्चे को लेके मर जाएंगे, फांसी लगा के मर जाएंगे घर में, बच्चन को कछु दे देंगे मैं मर जाएंगे। जब मेरे आदमी जाएंगे तो मेरे ही कहाँ आ जाएगा? देखा जूर का शायद है, मेरे का जूर फसाद है भैया कि न के दिखा जाके दिखा गए ताई ने कह रही जा कह रही है एंड में आगे 20 दिन बाद हम लोगों ने की पकड़ा था खड़ी है गई एक जना तो अजीत तो पकड़े भाई पुलिस बैठी है, बहुत पानी डाट डाट के मार रही है मेरे अजीत को, पानी डाट डाट के मार रही है पुलिस। 5 दिन आया गया अजीत को थाने पकड़े मथुरा से पकड़ ले आई है। दोषी तक न पहुंचे तो जाहिर सी बात है वहां पर प्रश्न चिन्ह उठता है। 20 दिन हुए हत्याकांड को, मतलब हम यही वार लगाते रहे साहब, हम निर्दोष हैं। श्रद्धेय कप्तान सिंह, कप्तान साहब से मिले, सीओ सुटी साहब से मिले और इंस्पेक्टर साहब वगैरह वगैरह उच्च अधिकारियों से मिले और हमने अपनी जो है गुहार रखी और हमने क्यों बताए, क्लू बताएगा साहब, जब क्लू पे आप जो जांच करो तो आपको जो है दोषी मिल जाएंगे। लेकिन उन क्लूओं को जो है नज़रअंदाज किया गया, अपने हिसाब से जो है मंडगठन से जो है जांच चल रही है और उस जांच में जो है निर्दोषों को जो है जेल भेजने के लिए। किसको पकड़ा है इस जांच में? एक अजीत नाम है, अजीत कुमार और विजय कुमार का लड़का है, यानी केडी का भतीजा। तो कुल मिला करके निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है और दोषियों को कतई जो है जांच के घेरे में नहीं लिया जा रहा है। मेरे पास एक एविडेंस है कि जो लड़का खत्म हुआ, मैं उसके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। उसने जो है मतलब अपने किसी भाव वेश में आकर के या आत्मग्लानी में उसने अपनी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में इसी घर में आत्महत्या करी, तो उसकी जो है इन्होंने फिर जो है आत्महत्या की खबर सुंदर के पास, हेमराज के पास या अब्दुल्ला भैया के पास। जी कैसे कह सकते हो आत्महत्या की है? श्योर मेरे पास एविडेंस है ना, तो कह रहा हूँ मैं बिना एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी सीटी दे रहा हूँ मैं। अगर मेरी बात को यहाँ के अधिकारियों ने मेरी बात को इसको नजरअंदाज किया तो इसकी सीटी में जो है उच्च अधिकारियों तक ले जाऊंगा और यहाँ तक मैं जानता हूँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार मुझे प्राप्त है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। शोषण के प्रति अगर मेरा कोई शोषण करता है तो मैं जो है संविधान को भली प्रकार जानता हूँ, संविधान देश का जो है राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसकी उसके आधार पर ही मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं तो संविधानिक उपचारों को के अधिकारों के तहत मैं जो है माननीय उच्च न्यायालय तक जाऊंगा, उस सीटी को चाहे मेरा मकान कहीं होकर जाए दोषियों को। सीटी में क्या कह रहा है? सीटी में कह रहा है कि मैं जो है मैं अब तेरे पास आ रहा हूँ अपनी प्रेमिका के। थाना उत्तर क्षेत्र में टापे पर कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे, क्या है पूरा मामला था?
देखिए थाना उत्तर क्षेत्र में टापा कला में ऐसे पानी की टंकी है, उस पर कुछ लोग जो है आगे पानी की टंकी चढ़ गए थे। प्रकरण यह है कि 19 जनवरी को एक मर्डर हुआ था जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें इनके कुछ लोग उसमें नामजद अभियुक्त हैं। उन नामजद अभियुक्तों पर पुलिस क्या कहते हैं उनकी तलाश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, उसी पर प्रेशर बनाने के लिए ये अनुचित दबाव बनाने के लिए आज ये इस पर चढ़ गए थे। हम लोग ऊपर टंकी पर गए थे और इनसे बातचीत की, इन्होंने आश्वस्त किया कि किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किंतु जो दोषी हैं उन पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर आप भी हैं चर्म रोग से परेशान तो अब तुरंत मिलेगा इस परेशानी से छुटकारा। अब आपके ही शहर फिरोजाबाद में चर्म रोग विशेषज्ञ दांत, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, फुंसी, मुहासे, गंजापन, सफेद दाग, चेहरे पर काले धब्बे एवं मधुमेह, बुखार, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम के SN हॉस्पिटल के पूर्व MBBS प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रोहिताश कुमार फैमिली फिजिशियन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक देंगे सेवाएं। हमारा पता सुभाष तिराहा बस स्टैंड के पास मनोज मेडिकल के बराबर में फिरोजाबाद।